हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन अनदर माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आज हम आए हैं सूरज कुंड में, मतलब गोरखपुर के एक बगल में है सूर्य कुंड धाम। तो वहाँ पे हम आए हैं सूरज कुंड धाम में, और आज आपको दिखाने वाले हैं कि मतलब ये प्लेस कितना ही अच्छा है। और बाय द वे, इस मतलब बगल में पोखरा भी है और नहीं, पर चलिए आपको दिखाते हैं। भाई यहाँ पे बैठो। बैठोगे? मतलब यहाँ पे इतना अच्छा, जैसे गोरखनाथ जो बीच में पोखरा है सिम वैसे ही है, और यहाँ पे मतलब इतनी अच्छी खासी मछलियाँ हैं। और आपको एक चीज़ और बता दें, यहाँ पे शूटिंग का जो मतलब फोटोग्राफर अगर कोई है उसके लिए एकदम बेस्ट एरिया है, क्योंकि यहाँ पे इतना अच्छा प्लेस है फोटो शूट के लिए, अगर वो चाहता है कि यहाँ पे आके फोटो शूट करे। और बाय द वे, शायद कुछ मेरे मित्र लोग यहाँ पे फोटो शूट करके गए थे जिसे मुझे पता नहीं था, तो आज हमने भी देखा। और आप देख सकते हो कितना अच्छा यहाँ पे लगभग 4-5 बीघा में फैला होगा। ये देखिए गाइस, ये डस्टबिन है जहाँ पे लोग पान पात खा के फूकते हैं, और कुछ लोग तो हद कर देते हैं, दारू वारू भी साथ में पी लेते हैं। गाइस, ये थोड़ा बहुत पार्क भी है, आप देख सको कितना अच्छा है। और देख सकते हो मतलब मंदिर है, पर यहाँ पे सब थूक थाक के कितना अच्छा खासा बना दिए, इसे एकदम हद कर देते हैं लोग। और यहाँ का मेन मंदिर यही है, तो चलिए आपको मेन मंदिर दिखाते हैं। तो गाइस देख सकते हो मतलब ये जो है मंदिर पूरा पानी के बीच है, पूरे पोखरे के बीच। हटिए भाई थोड़ा, देखो मतलब हर तरफ आपको पानी दिखेगा, बीच में एक मंदिर है। इधर आओ भाई, मतलब इसका तो गाइस फाइनली हम इस मंदिर से जा रहे हैं। और बाय द वे, आपको वीडियो आपको 100% अच्छा लगेगा, और थोड़ा बहुत लोगों का आपको सपोर्ट से किसी का मतलब दुआ लग जाएगा, समझ रहे हैं? आपके एक सपोर्ट से किसी का जीवन बच जाएगा, या फिर आप मतलब समझ सकते हो, तो थोड़ा सा कॉर्पोरेट और जितना भी है सब कर सकते हो, तो प्लीज़ देश के अंदर बाद में घुसा जाकर सब। यहाँ पे भी एकदम टोटल भोजपुरी लैंग्वेज चलता है। अरे ये देखो, हाँ